बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 7 का नाम है प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री फॉर स्ट्रेट लाइंस। तो स्टूडेंट्स, पहले तो देखें कि एनालिटिक ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है, प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है। प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री से पहले डेफिनेशन देखें एनालिटिक ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री का आपको पता है कि स्टडी ऑफ शेप्स को आप अगर बेसिकली डिफाइन करें तो स्टडी ऑफ शेप्स, ऐसे ज्योमेट्री का लफ्जी मतलब होता है जियो मीन्स अर्थ, मेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ। तो लेकिन हम मैथमेटिकली कहें तो द स्टडी ऑफ शेप्स, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप्स को आप कहोगे ज्योमेट्री। अब एनालिटिक ज्योमेट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ ज्योमेट्री बाय मीन्स ऑफ अलजेब्रा। जब आप ज्योमेट्री के कवानीन को अलजेब्रा के जरिए प्रूव करते हैं तो आप उसे कहेंगे एनालिटिक ज्योमेट्री। तो प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री का क्या मतलब है? प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री का मतलब है टू डायमेंशनल एनालिटिक ज्योमेट्री, जिसको आप एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई एक्सिस पे सॉल्व करें उसे आप प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री कहेंगे। इसी को इसके मैथमेटिशियन, जिसने इसको इन्वेंट तो नहीं कह सकते, जिसने इस पर काम किया रेने डेस्कार्ट्स, उसके नाम से अगर हम कहें तो कार्टिजन ज्योमेट्री भी आप प्लेन ज्योमेट्री को कहते हो। एनालिटिक मीन्स आप उसे अलजेब्रा में पढ़ोगे। और चूंकि ये चैप्टर जो है ये बेसिक्स है एनालिटिक ज्योमेट्री का, प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री का, तो यहाँ हम सिर्फ स्ट्रेट लाइंस को पढ़ेंगे। इस यूनिट में सिर्फ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो इस यूनिट में पढ़े जाएंगे। तो बेसिक्स क्या है प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री की? प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री की बेसिक्स में आपके पास आता है, सबसे पहले है आपके पास स्ट्रेट लाइन। देखें आप यहाँ पे पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस, तो स्ट्रेट लाइन और लाइन सेगमेंट में फ़र्क होता है जो अक्सर हम मिस कर जाते हैं। जब हम कहते हैं लाइन तो स्टूडेंट समझते हैं कि हम इसे लाइन कह रहे हैं। नहीं, ये लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन एक ऐसी शेप है जो टू डायरेक्शंस में इनफाइनाइटली मूव करे, उसे आप स्ट्रेट लाइन कहते हो। तो अगर ये लाइन है ए बी, तो मैं इसके आगे लिखूंगा ए बी और ऊपर लाइन से डिनोट करूंगा। दूसरा है लाइन सेगमेंट, इसी लाइन के किसी दो पॉइंट्स पर अगर आप एंड पॉइंट्स ले लो, मतलब यहां आप लिखो सी और डी, तो ये आपके पास होगा लाइन सेगमेंट सी से डी, और लाइन सेगमेंट को आप डिनोट करोगे सी डी से। तो जब आपको कभी कहा जाए कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ लाइन, कभी आप लाइन की लेंथ नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि लाइन तो इनफाइनाइट होती है। लेंथ जब फाइंड करनी होगी तो आप लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइंड करते हो। तो देखें स्टूडेंट्स, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री में क्या आता है, अगर हम देखें तो स्ट्रेट लाइन से पहले भी एक वर्ड आता है पॉइंट। पॉइंट एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप है जिसकी ना लेंथ है ना विड्थ, ये सिर्फ और सिर्फ पोजीशन बताने के काम आता है। तो अगर आपने कहीं ज्योमेट्रिकल शेप में डॉट लगाया, आप इसका नाम दो ए, तो इसे आप कहते हो पॉइंट ए। अब दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। और अगर यही पॉइंट्स इनफाइनाइटली लेफ्ट और राइट में या लेंथ में मूव कर रहे हों, जिनकी टू डायरेक्शन होती हैं, मतलब लेफ्ट और राइट में सिर्फ लेंथ है इसकी, तो स्ट्रेट लाइन की आपके पास सिर्फ लेंथ होती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में वो इनफाइनाइट होगी, लाइन सेगमेंट में वो किसी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कहलाएगा सी डी। और अगर मैं इसकी लेंथ लिखता हूँ स्टूडेंट्स, तो देखें उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला। अब सबसे पहले अगर हम देखें एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में आपके पास एक्स वाई प्लेन है, इसीलिए तो हम इसे प्लेन ज्योमेट्री करें या कार्टिजन ज्योमेट्री कहते हैं। एक्स वाई प्लेन में अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है पी और दूसरा पॉइंट है क्यू,
तो इन दो पॉइंट्स के बीच का फार्मूला डिस्टेंस फाइंड करने के लिए या इनके बीच की लेंथ, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइंड करने के लिए आपके पास होता है डिस्टेंस फार्मूला, जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। वो यहाँ उसकी रिवीजन कर लेते हैं। सपोज एक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास एक्स वन, वाई वन, एक्स टू, वाई टू। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। अगर पी एंड क्यू के बीच का डिस्टेंस है डी, तो डी को डिनोट करेंगे पी क्यू। पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, तो आप उसके ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन लगाओगे, लेकिन डिस्टेंस के लिए आप उस पर एब्सोल्यूट की वैल्यूज लगाते हो। तो ये तरीका है डिस्टेंस डिनोट करने का। ये लाइन सेगमेंट हुआ, अगर ये मैं एब्सोल्यूट की वैल्यू ना लगाऊं, वो सिर्फ इस शेप को डिनोट करेगा, लाइन सेगमेंट। मतलब पी से क्यू के बीच में एक लाइन, एक लिमिटेड लाइन होती है। एब्सोल्यूट लगाने का मतलब पी से क्यू के बीच जो लाइन सेगमेंट है उसका डिस्टेंस फाइंड करना। तो अब इसको लिखने के दो तीन तरीके। एक आप ऐसे लिख सकते हो, आप सिर्फ पी क्यू लिखो और एब्सोल्यूट लगाओ, तो ये भी ठीक है। और अगर आप लाइन सेगमेंट का निशान लगाए बगैर सिर्फ पी क्यू लिख दो, तब भी ठीक है, ये भी आपको डिस्टेंस फाइंड करने का मतलब देता है। लेकिन अगर आप लिखते हो पी क्यू, तो ये लाइन सेगमेंट है, ये उसका डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप इन तीनों में से कोई एक नोटेशन यूज कर सकते हो। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूला है आपके पास एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। एक्स वन वाई वन पी के कोऑर्डिनेट्स हैं और एक्स टू वाई टू क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं। वैसे फर्क नहीं पड़ता, मैं एक्स वन माइनस एक्स टू और वाई वन माइनस वाई टू लिखूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना होता है और ऊपर स्क्वायर है, तो ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा। इसी फॉर्मूले को एक्स वन माइनस एक्स टू में भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या हुआ, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। अब फॉर अ रिवीजन ऑफ क्लास 9 कॉन्सेप्ट्स आपके पास है कि फाइंड एक्सरसाइज 7.1 में है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। तो देखें क्या लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। और उसके बाद आप बताएंगे कि एक्स वन वाई वन क्या है। हेयर एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू ए, वो ए के बराबर है मतलब -8 और 6, और एक्स टू वाई टू इज इक्वल टू 3 -5। तो जब हमें एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू की वैल्यूज मिल गई, देयर फोर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन 3 -8 का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो इसे सिंप्लीफाई करें, 3 + 8 आपके पास 11 का स्क्वायर प्लस ये भी -11 का स्क्वायर। तो दोनों में एब्सोल्यूट है तो दोनों पॉजिटिव आते हैं, 121 प्लस 121, दो दफ़ा 121 है। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा 11 रेडिकल 2। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट अगर नहीं पता तो आप सिंपली आप उसे यूनिट में डिनोट करें। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास प्लेन ज्योमेट्री की वो इंट्रोडक्शन या वो बेसिक्स है जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। हमने सॉल्व करना है इस एक्सरसाइज में स्ट्रेट लाइंस को, लेकिन स्ट्रेट लाइंस की लेंथ नहीं होती, स्ट्रेट लाइंस आपको सिर्फ ऑपरेशन के दौरान काम आती हैं, जहां आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने हैं या एंगल बाइसेक्टर्स बनाने हैं, वहां काम आते हैं। जब आपसे इस चैप्टर में कहा जाता है कि अलाइन, तो वो लाइन नहीं कह रहा होता असल में, उसका मकसद है लाइन सेगमेंट।
क्योंकि लाइन सेगमेंट की ही तो लेंथ होती है और लेंथ पे ही तो आप बात कर सकते हो, लेंथ को ही आप जस्टिफाई कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, इसलिए लाइन सेगमेंट सी डी आपके पास उसकी नोटेशन ये है। और अगर आपने उसके बीच का डिस्टेंस लिखना है तो एक दो तीन तीन तरीकों से आप लिख सकते हो। एक चौथा तरीका भी है जो आप 9th-10th के थ्योरम्स में पढ़ते हो कि अगर मैं लिखूं मैयर लाइन सेगमेंट पी क्यू, इसका भी मतलब यही है कि द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। ये चारों नोटेशंस में से कोई एक भी आपके पास सामने आए तो आपको मतलब पता हो कि वहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाया जा रहा है और दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। हाँ, चूंकि डिस्टेंस है, आप फिजिक्स में जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, तो डिस्टेंस में कोई नेगेटिव पॉजिटिव तो होता नहीं है, डिस्टेंस तो एब्सोल्यूट होता है। इसलिए पी क्यू हो या क्यू पी, दोनों का डिस्टेंस आपके पास हमेशा सेम आना चाहिए। सिर्फ आप फॉर्मूला ठीक लगाएं कि अगर आप पी क्यू लिख रहे हैं तो आपके पास एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वन का अगर फॉर्मूला है तो आपका पहला पॉइंट P होगा मतलब A और दूसरा पॉइंट B होगा तो आप A भी फाइंड कर रहे हैं। ये नहीं कि आप X कोऑर्डिनेट को Y कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या एक जगह X2 माइनस X1 लिख रहे हो, यहाँ लिख रहे हैं X2 माइनस X1 और यहाँ Y1 माइनस Y2। तो ये गलतियाँ आपके पास डिस्टेंस फार्मूला में हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास हैं। क्वेश्चन नंबर वन है वो आपने करना है। क्वेश्चन टू में भी आपको ए बी की लेंथ फाइंड करनी है तो वो भी इसी तरह से सॉल्व होगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जहां डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करके कोई और कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाता है या उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो हम करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर इसमें आपके पास जो टू क्वेश्चन है उसमें भी आपने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी लाइन सेगमेंट। तो क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, या स्टूडेंट डायरेक्ट लिखा हो सकता है फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी या फाइंड द लेंथ ए बी। जो भी तरीका लिखा हो वो क्वेश्चन नंबर टू में उसका आप मेथड अप्लाई करके कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स माइनस सिक्स फोर एंड एट नाइन। मतलब एक पॉइंट है जो एक्स वाई प्लेन पर है आपके पास, जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स देख के आपको पता चलेगा कि एक पॉइंट आपके पास यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में होगा माइनस सिक्स फोर, ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो वो यहाँ कहीं होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एट नाइन। लेकिन हम अंदाजन लगा रहे हैं क्योंकि हम प्लॉट नहीं कर रहे, अंदाजन में आपको बता रहा हूँ कि ये दो पॉइंट्स पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में होंगे। तो हम लिखेंगे लेट A माइनस सिक्स फोर एंड दूसरे को नाम देते हैं B, B द गिवन पॉइंट्स, ये वो गिवन पॉइंट्स हैं, इनको हमने नाम दे दिया A B एंड P B द required point on, ये भी साथ लिखा है कि on x axis, तो p को हम coordinates दे देते हैं, that is कि p के coordinates होंगे, उसका x coordinate हम ले लेते हैं x और y coordinate उसका होगा जीरो, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो x axis पे है, तो x axis पे जो भी पॉइंट होता है उसका y coordinate जीरो होता है। सपोज वो पॉइंट यहां मौजूद है, मुझे नहीं पता कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या सेकंड में, सपोज हम कर लेते हैं कि वो यहां है, इट मींस कि उसका ए से और बी से जो डिस्टेंस है वो सेम है। ये बात उन्होंने कही है कि दे आर इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो क्या लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक पहले ए से पी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए से पी का डिस्टेंस होगा ए पी इज इक्वल टू, तो देखें स्टूडेंट्स अब हम बार बार डिस्टेंस फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने उससे बड़े क्वेश्चंस करने हैं, तो अगर हम उस डिटेल में जाएंगे वो आप क्वेश्चन वन टू में
चेक कर सकते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई होता है। यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब x माइनस माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस फोर डिस्टेंस फाइंड करते हैं ए पी का, तो ये बनेगा x प्लस सिक्स का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर। तो फॉर्मूला ओपन करें तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 प्लस 16, तो x स्क्वायर प्लस 12x और ये आपके पास बनेगा 52। ये आ गया AP। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे B से P का डिस्टेंस जो के बनेगा BP। तो यहाँ x2 माइनस x1, x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 9 का स्क्वायर है आपके पास। x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 और ये आएगा प्लस 81, 9 का स्क्वायर। ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 145। स्टूडेंट्स बी से पी का डिस्टेंस भी मिल गया और ए से पी का, सिंस ए एंड बी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी, ए और बी के पॉइंट्स पी से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, जिसका मतलब है कि ए से पी का डिस्टेंस बराबर है बी से पी के डिस्टेंस के। तो दोनों साइड्स वैल्यू लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 12x प्लस 52 इज इक्वल टू, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 145। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे, आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 52 एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 145, ये आपके पास आया। अब इन सारी वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 12x प्लस 16x 52 माइनस 145, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, ये बनेगा आपके पास 28x प्लस माइनस ये आएगा आपके पास 93 इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 93, 28 आगे डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 93 अपॉन 8। तो हमने अपना पॉइंट क्या सपोज किया था, x जीरो, तो लिखेंगे हेंस p 93 अपॉन 28 कोऑर्डिनेट 0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो देखें स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हुए आप उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि वो उस क्वेश्चन इससे कैसे सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है कि शो दैट 1001 एंड -34 लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, कि ये जो तीन गिवन पॉइंट्स हैं ये एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पर आते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, जब कोई से तीन पॉइंट्स आपके पास किसी लाइन पर होते हैं, किसी स्ट्रेट लाइन पर, उसका मतलब ये है कि यहाँ है एक ए बी और सी, तीन पॉइंट्स है और तीनों स्ट्रेट लाइन पर है। मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि ये तीनों स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पहले ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करूंगा, फिर बी से सी का डिस्टेंस फाइंड करूंगा और फिर ए से सी का डिस्टेंस। जब मैंने तीनों डिस्टेंसेस फाइंड कर लिए तो अगर वो इसी तरतीब से लाइन पर मौजूद हैं तो होगा क्या कि ए बी प्लस बी सी
मतलब ए और बी को जब ए बी का और बी सी की जब आप लेंथ ऐड करोगे तो वो एग्जैक्टली किसके बराबर आएगी, ए सी के। इसी यही डेफिनेशन आपके पास बनती है किसी भी तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स के लिए कि जब वो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हों, तो ऐसी लाइंस को कहा जाता है, ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है कोलीनियर पॉइंट्स। तो अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके पहले इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी इन पर अप्लाई होती है। अगर होगी तो दे विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। लेट ए बी एंड सी बी द वन पॉइंट्स देन बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, पहले फाइंड करेंगे ए बी। ए बी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, जीरो माइनस वन का स्क्वायर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वन माइनस जीरो का स्क्वायर। तो ये बनेगा वन का स्क्वायर प्लस ये भी वन का स्क्वायर, जो कि बनेगा रेडिकल टू। अगला हम फाइंड करेंगे बी सी। तो बी सी में है एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस थ्री प्लस जीरो प्लस फोर माइनस वन का स्क्वायर, ये बनेगा थ्री, थ्री का स्क्वायर, और ये भी थ्री का स्क्वायर। तो थ्री और थ्री का स्क्वायर आपके पास बनता है 18, जिसे आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 3 रेडिकल 2। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ए सी या सी ए, दोनों में फर्क नहीं होता, आप ए सी करें या सी ए, जब इस तरतीब से लिखें तो करना आसान होता है इनको सॉल्व। देखें माइनस थ्री माइनस वन का स्क्वायर प्लस एक्स वाई टू माइनस वाई वन, फोर माइनस जीरो का स्क्वायर। तो ये बनेंगे आपके पास माइनस थ्री और माइनस वन, माइनस फोर का स्क्वायर, और ये फोर का स्क्वायर। तो ये बनेगा आपके पास 16 प्लस 16, तो ये बनता है 32, जो के बराबर होता है 4 रेडिकल 2 के बराबर। अब आप देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं ए सी को ए बी में ऐड करूं तो मेरे पास डिस्टेंस बनता है बी सी का, सॉरी ए बी, बी सी को ए बी में ऐड करूं तो इसका डिस्टेंस बनता है सेंस ए बी प्लस बी सी। करके देखते हैं तो क्या बनेगा। देखें स्टूडेंट्स, ए बी का डिस्टेंस है आपके पास रेडिकल टू, बी सी का थ्री रेडिकल टू, तो ये बनेगा आपके पास फोर रेडिकल टू, जो के ए सी के बराबर होता है। देयरफॉर गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं स्टूडेंट्स, जिनको हम कोलीनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो यहां तक स्टूडेंट्स ये काम आप नाइन्थ में पढ़ चुके थे, डिस्टेंस फार्मूला आपने यूज किया था वहां और डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड काफी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर आपने इसके बाद पढ़ा था स्टूडेंट्स मिड टाइम मिड पॉइंट फार्मूला, एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला, लेकिन यहाँ उसको थोड़ा सा एडवांस करके कहा जाता है रेशो फार्मूला। तो हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, रेशो फार्मूला। फ्रेंड्स नेक्स्ट आपके पास है रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला का मकसद है कि अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है पी से क्यू, तो अगर एक ऐसा पॉइंट है इनके बीच में आर जो इस लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड करता है और वो हिस्से इस रेशो में हो आपके पास यू रेशो वी, यू मीन्स ये वाला साइड और वी मीन्स ये वाला साइड, तो इसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला होगा आर एक्स वाई का, दैट इज इक्वल टू यू इंटू एक्स टू प्लस
वी इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई यू प्लस वी, और दूसरा है u इंटू वाई टू प्लस वी इंटू वाई वन अपॉन यू प्लस वी। तो देखें स्टूडेंट्स, ये वो पॉइंट होगा जो आपके लाइन को इस रेशो में u रेशो v, u भी एक नंबर होगा आपके पास और v और इनके बीच का रेशो बने u v, तो आप कहोगे कि ये पॉइंट इस तरह से फाइंड आउट होता है। लेकिन इसे कहते हैं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल मींस के लाइन को दरमियान में से किसी दो हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। तो क्या होगा कि P से R का डिस्टेंस और R से Q का जो डिस्टेंस है, अगर हम इसे डायरेक्टेड भी कहें तो P से R का डिस्टेंस भी आपके पास पॉजिटिव होगा और R से Q का डिस्टेंस हो वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अब अगर आपके पास यही लाइन सेगमेंट है PQ, लेकिन इनसे बाहर एक पॉइंट है R, वो कैसे इन दोनों को दो बराबर यू वी में डिवाइड करेगा? उसके लिए आपको ये सोचना है कि आपके पास एक डायरेक्टेड डिस्टेंस, देखिए डायरेक्टेड डिस्टेंस का मतलब आप फिजिक्स में लेते हो वेक्टर को, कि मतलब अगर P से R का डिस्टेंस है 5 तो R से P का डिस्टेंस जो है वो -5 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपके पास P से R का डायरेक्टेड डिस्टेंस जो है और Q से R का जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है इनके साइंस ऑपोजिट हों, मतलब एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में, एक माइनस में है तो दूसरा प्लस में, तो इसका मतलब ये होगा कि जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं वो असल में इनके बीच में नहीं है, वो बाहर है इस लाइन सेगमेंट से और वो इन्हें दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। यहाँ क्या होगा कि P से R और Q से R का जो डिस्टेंस है इनके साइंस हमेशा सेम होंगे, लेकिन अगर साइंस डिफरेंट है, वैसे डिस्टेंस फार्मूला में साइंस नहीं होते, लेकिन अगर ये डायरेक्टेड डिस्टेंस हो, डायरेक्टेड डिस्टेंस का मतलब ये है कि डायरेक्शन उसमें इंपॉर्टेंट होती है, कि P से Q अगर आपके पास डिस्टेंस बनता है -5 तो जब आप उसे क्यू पी बना देते हैं तो वो -5 बनता है। ये कॉन्सेप्ट वैसे तो आपके पास फिजिक्स में होता है क्योंकि डायरेक्टेड डिस्टेंस जिसे आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं वो वहाँ होता है, लेकिन अगर हम यहाँ भी देखें कि अगर आप कहो कि पी से आर का जो डिस्टेंस है वो आर से पी के बराबर नहीं है, दोनों में साइन का फर्क है, तो फिर क्या होगा कि पी से आर और क्यू से आर का साइन हमेशा चेंज होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो पॉइंट है अगर ये आपकी लाइन सेगमेंट के बाहर हो और फिर वो इस पूरी लाइन को दो बराबर हिस्सों में, दो ऐसे हिस्सों में डिवाइड करता हो जिसे आप यू रेशो वी कहें, तो फिर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे आर एक्स वाई इज इक्वल टू यू एक्स टू माइनस वी एक्स वन डिवाइडेड बाई यू माइनस वी, और यू वाई टू माइनस वी एक्स वन अपॉन यू माइनस वी। तो देखें स्टूडेंट्स, ये एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है और ये आपके पास इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन की डेरिवेशन भी आपके बुक में हुई हुई है, सिंपल सी डेरिवेशन है जिसके ज़रिए ये दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए जाते हैं, पर हमारे पास इसकी डेरिवेशन से ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन का काम है। एक्सरसाइज में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हमने सॉल्व करने हैं, तो उन पर हम चलते हैं कि वहाँ अगर आपको एक जॉइंट दिया हुआ है, एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, तो उसके बीच में अगर आपको रेशो पता है तो आप पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, अगर आपको पॉइंट दिया है तो आप उनका रेशो कैसे फाइंड करोगे कि वो उस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है। फिर हम देखेंगे कि एक्सटर्नल डिवीजन कैसे होगी उसी पॉइंट से। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2-5 एंड 5-7। तो अगर लाइन सेगमेंट है इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो हमने वो पॉइंट ढूंढना है पहले जो इन्हें इंटरनली डिवाइड करे और फिर एक्सटर्नली डिवाइड करे। रेशो यहाँ गिवन है, इन द रेशो, तो जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा यू रेशो वी का, उसमें आपको रेशो गिवन है कि यू होगा 2 और वी होगा आपके पास 3। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स भी गिवन है और रेशो भी गिवन है, तो हम इजीली एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन दोनों का फार्मूला उस पर अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन
लेट आर वन एक्स वाई बी द पॉइंट विच डिवाइड्स द गिवन जॉइंट इंटरनली देन। तो हमारे पास फॉर्मूला है आर वन एक्स वाई का कि यू एक्स टू वी एक्स वन अपॉन यू प्लस वी यू वाई टू प्लस वी वाई वन डिवाइडेड बाय यू प्लस वी। तो देखें स्टूडेंट्स, हियर एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू टू माइनस फाइव और एक्स टू वाई टू इज इक्वल टू फाइव सेवन एंड यू रेशो वी इज इक्वल टू टू रेशो थ्री। देयरफॉर आर वन एक्स वाई इज इक्वल टू यू है टू और एक्स टू की वैल्यू है फाइव प्लस वी है आपके पास थ्री और एक्स वन है टू डिवाइडेड बाय यू प्लस वी और यू है टू वाई टू है सेवन प्लस वी है थ्री और वाई वन है माइनस फाइव। तो ये आपके पास यू प्लस वी आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं टेन प्लस सिक्स अपॉन फाइव और ये बनेगा 14 माइनस 15 अपॉन 5 मींस 16 अपॉन 5 और ये माइनस 1 अपॉन 5। तो ये वो पॉइंट है जो आपके इस जॉइंट को बी टू रेशो थ्री में डिवाइड करेगा। लेट आर टू एक्स वाई वाई बी द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन द गिवन लाइन सेगमेंट इन टू रेशो थ्री एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली का मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट हमेशा इस लाइन सेगमेंट के बाहर होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, आपके पास है आर टू एक्स वाई इज इक्वल टू फॉर्मूला है यू एक्स टू माइनस यू वी एक्स वन अपॉन यू माइनस वी और यहाँ यू वाई टू माइनस वी वाई वन यू माइनस वी। तो देखें स्टूडेंट्स, वैल्यूज हमें पता है सबकी, वो पुट करते हैं दोबारा। टू इंटू फाइव माइनस थ्री इंटू टू और टू माइनस थ्री, उसके बाद टू इंटू सेवन माइनस थ्री इंटू माइनस फाइव और ये है टू माइनस थ्री। तो ये बनेगा टेन माइनस सिक्स अपॉन माइनस वन, यहाँ पे फोर्टीन प्लस फिफ्टीन माइनस वन, तो जो भी ये आएगा आपके पास माइनस फोर और ये बनता है आपके पास माइनस ट्वेंटी नाइन। तो देखें स्टूडेंट्स, अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी बड़ा क्लियर हो जाता है कि ये पॉइंट जो है 16 अपॉन 5 है माइनस 1 अपॉन 5। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के पॉइंट्स आ गए। ग्राफिकली इनका क्या मतलब होगा कि आपके पास अगर एक्स वाई प्लेन है, अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन है और उसे आप ये लाइन सेगमेंट बनाते हैं, इस लाइन सेगमेंट के मुताबिक एक क्वाड्रेंट इसका आपके पास होगा यहाँ 2 माइनस फाइव और इसका लाइन सेगमेंट होगा आपके पास यहाँ कहीं होगा 5 7 तो ये आपके पास आपका
लाइन सेगमेंट बन रहा है। अब उस पॉइंट के मुताबिक 16/5 एंड -1/5 वो पॉइंट ही भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा और वो यहाँ कहीं होगा आपके पास, जिसे हमने आर वन का नाम दिया। तो देखें स्टूडेंट्स, वो आपके लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन जो ये वाला पॉइंट है, ये चूंकि एक्सटर्नल डिवीजन है, तो अगर मैं देखूं ये पॉइंट यहाँ वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, जिसको हमने आर टू का नाम दिया। तो अब डायरेक्टेड डिस्टेंस का क्या मतलब, क्यों एक्सटर्नल डिवीजन में, हमारे पास एक्सटर्नल डिवीजन में जो ये रेशो होती है वो आपके पास बनती है -u/v, मीन्स के दोनों के साइंस ऑपोजिट होते हैं। इसका मकसद ये है कि अगर मैं इस पी और क्यू और ये आर टू है, तो अगर इसकी डायरेक्शन इस तरह से है, पी आर, पी रेशो पी टू आर का डिस्टेंस है, तो जो दूसरा डिस्टेंस है, क्योंकि हम यहां देखें ना, यहां क्या करते हैं, पी से आर का डिस्टेंस लेते हैं और आर से क्यू का डिस्टेंस लेते हैं, और यहां पे अगर मैं पी से आर का डिस्टेंस लूं तो उसकी डायरेक्शन ये बनेगी, जबकि आर से क्यू के डिस्टेंस की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट बनेगी। तो जब आपके पास दो डायरेक्टेड डिस्टेंसेज हैं तो लाजमी बात है कि उनका रेशो नेगेटिव होगा, इसीलिए, और यही एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब होता है। तो एक्सटर्नल डिवीजन में आपके पास जो दो पोर्शंस बनते हैं यू और वी, जिनमें आप डिवाइड कर रहे हैं, उनके डायरेक्टेड डिस्टेंस के साइंस हमेशा ऑपोजिट होंगे। इन साइंस से ही आपको पता चलेगा कि आपका जो पॉइंट जिसे आप ढूंढ रहे हैं या जो गिवन पॉइंट है, वो आपके इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है या इंटरनली डिवाइड कर रहा है। रही फार्मूले की बात, तो अगर आपको सिर्फ पॉइंट्स फाइंड करने, तो ये फार्मूलाज हैं। अगर आपको रेशो गिवन हो और पॉइंट्स गिवन हो, तो आप दोनों के डिस्टेंस जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, और ग्राफिकली उनका मतलब भी मैंने आपको समझा दिया। अब स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 5-2 and 7-4। छोटी क्लासेस में आपको वर्ड सिखाया जाता है बाईसेक्शन। बाईसेक्शन का मतलब होता है कि एक लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना, लेकिन ये है वर्ड ट्राइसेक्शन, मीन्स एक ही लाइन को, अगर ये आपके पास एक लाइन बनती है पी से क्यू, ठीक है, ये पी है और ये क्यू है, तो हमने वो दो पॉइंट्स ढूंढने हैं जो इस लाइन को दो बराबर हिस्सों, तीन बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो जाहिर सी बात है ऐसा एक पॉइंट नहीं होगा, दो पॉइंट्स होंगे, तो हम उन्हें नाम देंगे कि लेट आर वन एंड आर टू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू। तो लिखेंगे लेट आर वन एंड आर टू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ द ऑफ गिवन लाइन तो इस गिवन लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन जाहिर सी बात है दो होंगे, एक आर वन आर टू, ठीक है। अब हमने देखना है स्टूडेंट्स कि अगर मैं इस लाइन के तीन हिस्से बनाता हूं 1, 2, 3, ये पॉइंट आपके इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, यहां आपको एक हिस्सा बचता है और यहां दो, तो रेशो आपके पास बनती है 1:2। तो आप लिखेंगे आर एक्स वाई डिवाइड्स द लाइन इन 1:2। तो अब जब आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे बाय रेशो फॉर्मूला, रेशो फॉर्मूला के मुताबिक आर वन के कोऑर्डिनेट्स जो बनेंगे वो है u x2 plus u x v x1 upon u plus v u y2 or u y1 u plus v। वैल्यूज यहां पर x1 और y1 है आपके पास
एक्स वन वाई वन फाइव माइनस टू और एक्स टू वाई टू है आपके पास सेवन फोर, और रेशो इस वक्त जो आपके पास रेशो बनती है वो है वन रेशो टू। देयरफोर यू की वैल्यू है वन, वन इंटू सेवन प्लस वी की वैल्यू है टू इंटू फाइव डिवाइडेड बाय वन प्लस फाइव वन प्लस टू, और यू इंटू वाई टू मतलब फोर प्लस वी इंटू वाई वन मतलब माइनस टू अपॉन वन प्लस टू। तो ये आपके पास आपकी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे सेवन प्लस टेन सेवनटीन अपॉन थ्री और फोर माइनस फोर जीरो अपॉन थ्री, मतलब ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पर है और इसके कोऑर्डिनेट्स ये बनते हैं। ये तो हमने ये पॉइंट ढूंढ लिया, अब ये पॉइंट जो है ये कैसे डिवीजन कर रही है स्टूडेंट्स, दो हिस्से इस तरफ रहते हैं और एक इस तरफ, तो U की वैल्यू आपके पास बनती है टू और V की वैल्यू बनती है वन। तो आप लिखेंगे कि R2 डिवाइड्स द गिवन लाइन इन वन सॉरी टू रेशो वन। तो अब आप दोबारा यही फार्मूला अप्लाई करेंगे लेकिन U रेशो V को टू रेशो वन करेंगे तो वन की जगह टू और टू की जगह वन आएगा, तो आपको R2 के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट ए पी इज इक्वल टू थ्री अपॉन टेन टाइम्स ए बी, मीन्स ए और बी के बीच में एक पॉइंट है आपके पास, ये आपके पास लाइन सेगमेंट है ए से बी और इनके बीच में एक पॉइंट है पी। तो क्या है कि ए पी का जो डिस्टेंस है, ए पी का डिस्टेंस वो ए बी के थ्री अपॉन टेन टाइम्स है। थ्री अपॉन टेन टाइम्स का मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपने डिस्टेंस को ए से बी के डिस्टेंस को दस बराबर हिस्सों में डिवाइड करूं, कितने दस, मीन्स कि ये पॉइंट है आपके पास P, तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, मीन्स ये पॉइंट जो है वो आपके पास थ्री अपॉन टेन मतलब दस में से तीसरे हिस्से पर है, P यहाँ पर आपके पास आता है। तो अब क्या होगा कि A से P का जो फासला है वो थ्री अपॉन टेन टाइम्स होगा ए से बी के फासले के, लेकिन सवाल देख के ये समझ नहीं आता कि पी उसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो आप लिखोगे कि पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स। तो अगर आपके पास पी पॉइंट यहां पर है तो एक तरफ तीन हिस्से बच जाते हैं, दूसरे तरफ सात, तो थ्री आउट ऑफ टेन का मतलब है कि दस में से तीन, तो तीन अगर इस तरफ रहे सात उस तरफ, तो ये रेशो बनेगी आपके पास थ्री रेशो सेवन। यू की वैल्यू होगी थ्री और वी की वैल्यू होगी सेवन। अब आप रेशो फार्मूला अप्लाई करके पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इजी सा क्वेश्चन है, इसे आप जरूर खुद अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेशियो फार्मूला से रिलेटेड है। क्वेश्चन में लिखा है कि पॉइंट ऑफ डिवीजन दिया गया है माइनस सिक्स एंड फाइव और एंड पॉइंट्स जो हैं लाइन सेगमेंट के वो ये दो हैं। अब हमने वो रेशियो बतानी है जिसमें ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, रेशियो फार्मूला है आपके पास आर एक्स वाई इज इक्वल टू यू एक्स टू वी एक्स वन और यू एक्स यू वाई टू प्लस वी वाई वन अपॉन यू प्लस वी। हेयर
आर एक्स वाई भी गिवन है, वो है आपके पास माइनस सिक्स एंड फाइव, और एक्स वन वाई वन है आपके पास माइनस थ्री एंड माइनस वन, और एक्स टू है आपके पास एक्स टू वाई टू है माइनस एट एंड माइनस नाइन। तो वैल्यूज पुट करें, ये बनेगा माइनस सिक्स एंड माइनस फाइव इज इक्वल टू यू इंटू माइनस एट प्लस वी इंटू माइनस थ्री अपॉन यू प्लस वी, और यहाँ आएगा यू इंटू नाइन प्लस वी इंटू माइनस वन अपॉन यू प्लस वी। माइनस सिक्स एंड माइनस फाइव देखें, ये बनेगा माइनस एट यू माइनस थ्री वी अपॉन यू प्लस वी, और ये बनेगा नाइन यू माइनस वी अपॉन यू प्लस वी। इक्वेटिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, इक्वेटिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ लिखें तो ये बनेगा माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस एट यू माइनस थ्री वी अपॉन यू प्लस वी, एंड फाइव इज इक्वल टू नाइन यू माइनस वी अपॉन यू प्लस वी। इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस सिक्स इंटू यू प्लस वी माइनस इज इक्वल टू माइनस एट यू माइनस थ्री वी, माइनस सिक्स यू माइनस सिक्स वी, एट यू माइनस थ्री वी। इनको इस तरफ लेकर आएंगे तो एट यू माइनस सिक्स यू माइनस सिक्स वी प्लस थ्री वी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये बनेगा आपके पास टू यू माइनस थ्री वी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा टू यू इज इक्वल टू थ्री वी, और u इज इक्वल टू थ्री वी थ्री इंटू थ्री अपॉन टू इंटू वी। तो इसका मतलब u अपॉन वी इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू, या u रेशो वी इज इक्वल टू थ्री रेशो। हम y कोऑर्डिनेट से भी यही काम कर सकते थे, लेकिन x कोऑर्डिनेट से भी रेशियो निकल गया, हेंस माइनस सिक्स एंड फाइव डिवाइड्स द गिवन लाइन इन थ्री रेशो टू, थ्री रेशो टू में वो उसे डिवाइड करेगा। इस क्वेश्चन का भी एक पार्ट और है, वो आप खुद सॉल्व करके देखें और आंसर फाइंड करें स्टूडेंट्स। तो रेशो फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। रेशो फार्मूला को दोबारा से पढ़ें, बुक में इसकी डेरिवेशन भी है और साथ थ्योरी भी लिखी गई है। डिस्टेंस फार्मूला आप पहले से जानते थे। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम रेशो फार्मूला से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसी एक्सरसाइज के। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।